सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री भूमि चंबा के प्यार से गांव सिमलेऊ में। तो अभी सुबह सुबह हो रही है तैयारी पापा जी की पठानकोट जाने की, क्योंकि 15 को हमारे घर में फंक्शन है। अभी पापा जी भी निकल गए हैं अपने काम के लिए और मैं कर रही हूँ यहाँ पर आज थोड़ी सी पैकिंग, क्योंकि कल मैं और मम्मी जी निकल रहे हैं घर के लिए। तो सामान वगैरह पैक करना, थोड़े से अपने कपड़े और रुद्रांश के, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। हस्बैंड जी भी उठ गए हैं, अभी इनकी नाइट ड्यूटी थी तो आके रेस्ट कर रहे थे थोड़ा सा, तो मैं ऊपर आ गई। मैंने सोचा पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ, अभी थोड़ा सा फ्री हूँ, फिर थोड़ा बहुत खाना वगैरह बनाना है तो काम पड़ जाएगा, इसलिए मैं फटाफट से ये सब काम निपटा लेती हूँ। अभी खाने को नहलाया तो उसके थोड़े से कपड़े थे उनको धोया और अभी धूप में डालने के लिए आई हूँ। वो सो गया नहा के, एक बार काम करने को ठीक रहेगी थोड़ी देर। तो बोलती हूँ कि चलो मेरे साथ, थोड़ा एक बार रास्ते तक छोड़ा, पर ये जाने रहे हैं। अब मैं मम्मी को बोलती हूँ कि इनको बच्चे तो खुद आएंगे ये लाइन पे। अभी आ गया मैं तुझे छोड़ने के लिए, मम्मी को बोला तो उन्होंने भेजा फिर। और यहाँ पे हमारा जिम, तो किसके साथ है यहाँ पे जिम? अभी बज रहे हैं शाम के 4 और काफ़ी तूफान वगैरह चला हुआ है और थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें वगैरह भी हो रही है, तो मुझे कपड़े उठाने पड़े। वैसे तो बरामदे के अंदर ही थे बट थोड़े बाहर थे तो उनको उठाया, और अभी चल पड़ते हैं नीचे क्योंकि बच्चे को अकेले ही सुलाया मैंने, उठना गया हो। मम्मी और आंटी जी गए कहीं बाहर कायम से। अभी बज चुके हैं शाम के 6 और मैं बैठ गई हूँ बच्चे को लेके, क्योंकि मम्मी जी गए काम से। और अभी ये भी उठ गया है तो इसके पास ही हूँ बाहर। काफ़ी बारिश लगी हुई है काफ़ी टाइम से, और जाना भी कहाँ ऐसे बच्चे को छोड़ के। हस्बैंड जी की आज नाइट ड्यूटी है तो वो भी सो रहे हैं, और पापा और भैया गए हैं पठानकोट, तो आज अभी मैं यहाँ पे अकेली हूँ। और ये 2 बच्चे आए हुए हैं आंटी के बाहर से, ये इनको मम्मी के साथ आंटी भी गई हुए हैं, तो ये मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि ये है क्या, उनको फ़ोन करो। तो अभी ये यहाँ के बैठे हुए हैं, ये छोटे वाला तो नेल पेंट लगा रहा है। तो हेलो गाइस, आज मैं फिर से आ चुकी हूँ सोनिका ठाकुर डेली व्लॉग के अंदर, और अभी जा रहे हैं हम दूध लेने। तो बहुत टाइम हो गया था और याद भी नहीं रहा था कि दूध लेने जाना है, तो अभी चल पड़ी है। तो गाइस, इतने सुहाने मौसम के साथ हम चल पड़े। देख सकते हो अभी गेहूं के खेतों में गेहूं की मतलब जो है उगी हुई है, अभी कितने छोटे छोटे से हैं। तो आज दिखाने वाले हैं हम आपको ऐसी चीज जहां हमें आटा मिलता है। ये रही चक्की। तो गाइस देख ही सकते हो, ये जो हमारे खैर के प्रधान जी है उनका ये वाला जो है वो घर है, और वो है चक्की, देख ही सकते हो गाइस सब। तो ये दिख रहा है यहाँ का इतना शानदार व्यू। गाइस बारिश भी आने वाली है इसलिए सूरज भी आज बहुत जल्दी डाउन हो गया, तो चलते हैं हम थोड़ी आगे की ओर। और देख ही सकते हो हम पहुँच चुके हैं ऑलरेडी ही इनके घर, बस घर के पीछे वाली साइड में। और आपको भी एक वेजिटेबल मतलब खेत एक और दिखा दें, पहले आप इन्हें देख लो। देख ही सकते हो गाइस हिमाचली लोग कैसे वेजिटेबल्स खुद लगाते हैं अपने हाथों से, सीड से। ये फार्मर्स की मेहनत होती है। गाइस देख ही सकते हो पहुंच चुके हैं हम ऑलरेडी उनके घर। और ये खड़े हुए हैं श्रानी भाभी दूध लेने के लिए, एंड वो रहा मेरा ब्रदर, देख रहा है यहाँ से, पर वो हाइट छोटी होने के अलावा उसे कुछ मिल नहीं रहा है। एंड ये रहा इनके साइड में कुछ घर, इनके आस पड़ोस नेबर मीन्स।
यहाँ से गाइस हमारा घर नहीं दिखेगा, पर अगर इनके टेरेस पे जाना हो तो हमें घर दिख जाएगा। तो वेट करते हैं हम, देख ही सकते हो गाइस ये कैसे वेट कर रहे हैं। और पीछे सेंटी भी आ चुकी है। फिर गाइस दूध लेके चल पड़ते हैं हम अपने घर की, और देख ही सकते हो गाइस कैसे जा रहे हैं आगे। गाइस आपको तो अभी मैंने एक ही वेजिटेबल्स की मतलब खेती खेत दिखाया है, सीड्स का। ऐसी होती है हमारे यहाँ के हिमाचली फार्मर्स की कमाई, इन्हें सेल करके इनके पास मनी आते हैं, उनसे अपनी फैमिली का गुजारा कराते हैं। अब फिर से हम चक्की की ओर से जा रहे हैं, आप देख ही सकते हो गाइस, देख ही सकते हो ये है लहसुन मीन्स गार्बेज, गार्लिक सॉरी गाइस। गाइस वो देख ही सकते हो आप, हमारा घर मिल ही रहा होगा वाइट एंड ग्रीन टंकी वाला पूरा। गाइस हमारा भी घर पहुंच चुके हैं अपने घर के पड़ोस में। गाइस हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं घर पे। पहुंच ही चुके हैं अभी तो हरियरे अंकल की गाड़ी, जिसमें आए हैं ऋषु भैया जहां वो ड्यूटी करते हैं। तो गाइस अभी हम घर पे पहुंच ही चुके हैं। और अभी जीमू आ जाते हैं हमारे वेलकम के लिए, क्योंकि इसका वेलकम ना हुआ हो कभी हमारे आने तक तो ऐसा कोई दिन गया ही नहीं है। और यह है गाड़ी के ड्राइवर सैदपुर से। अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर डिनर की तैयारी, तो उसके लिए आज बनाए हमारे यहाँ आलू न्यूट्री और एक साइड वो रख दिया, और अभी साथ में चपाती बनाने लग पड़ी हुई क्योंकि हस्बैंड की आज नाइट ड्यूटी है। और ऋषु भैया भी आ गए आज अपने काम से वापस, तो सभी को भूख लगी होगी, तो आज जल्दी जल्दी होगा सब कुछ। ऐसे तो हमारे 10 बज जाते हैं डिनर के लिए, बट आज थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम क्योंकि 10 बजे तो उनकी ड्यूटी होती है। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।